2 करोड़ रोजगार स्वाहा, स्किल इंडिया स्वाहा, स्टार्टअप इंडिया स्वाहा, मेक इन इंडिया स्वाहा, रेलवे का निजीकरण नहीं होगा स्वाहा। नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। 17 सितंबर ये तारीख इतिहास में दर्ज है, इसलिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की तारीख है। अब जन्मदिन प्रधानमंत्री का है तो सेलिब्रेशन भी ग्रैंड ही होना चाहिए, तो वो हो रहा है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। वडोदरा में 71 फीट का केक बना था जिसे 711 कोरोना वॉरियर ने मिलकर काटा है। देश में कई और आयोजन हो रहे हैं, कहीं पौधारोपण हो रहा है तो कहीं बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। और रही बात पार्टी की, तो बीजेपी की ओर से इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विदेशों के भी बड़े बड़े नेता ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में एक बड़ी जमात युवाओं की है जो 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस और जुमला दिवस के रूप में मना रही है और उनका हैशटैग ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो युवा पीएम मोदी के साथ था, जो युवा बीजेपी को वोट देकर दोबारा सत्ता में लेकर आया था, अब वही युवा पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस और जुमला दिवस के रूप में मना रहा है? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को देखें तो @NarendraModi अकाउंट पर 62.3 मिलियन फॉलोअर हैं, @PMO India पर 38.8 मिलियन फॉलोअर हैं और @NarendraModi_in पर 2.5 मिलियन फॉलोअर हैं। अगर तीनों को जोड़ दें तो होते हैं करीब 103 मिलियन फॉलोअर। लेकिन पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन देश में ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है #NationalUnemployment, जिस पर करीब 4.5 लाख ट्वीट हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर पीएम मोदी का जन्मदिन का हैशटैग है #HappyBirthdayNarendraModi, जिस पर 4 लाख से भी कम ट्वीट हैं। और तीसरे नंबर पर है #RashtriyaBerozgarDivas, जिस पर करीब 18 लाख ट्वीट अब तक हो चुके हैं। अब ये कैसे हुआ आप खुद से समझ सकते हैं। जाहिर है कि युवा नाराज हैं, वो नाराज हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वो नाराज हैं कि जिन्हें रोजगार मिला था वो भी छिन गया है, वो नाराज हैं कि उनसे वादे तो बड़े बड़े किए गए थे लेकिन हकीकत में काम नहीं हुआ। और स्वाभाविक है कि उनकी नाराजगी को तो दिखना ही था, तो वो अब दिख रही है जब ट्विटर और फेसबुक समेत तमाम प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी के जन्मदिन की बात होनी चाहिए थी तो युवा बेरोजगारी की बात करके, रोजगार की बात करके, जुमलों की बात करके उसको ट्रेंड करवा रहे हैं। इसलिए अब मैं आपको इस बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में भी बता ही देता हूँ। देश में बेरोजगारी पर आंकड़े जारी करने वाली एक संस्था है CMIE, यानी कि सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी। इसके आंकड़ों के मुताबिक देश में बेरोजगारी की दर अगस्त महीने में 8.3% की है। आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 के दौरान करीब 1.89 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो वेतन पर काम करते थे। असंगठित और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में करीब 12 करोड़ लोग लॉकडाउन लगने के कारण एक महीने के अंदर बेरोजगार हो गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 30 साल से कम उम्र के करीब 40 लाख लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए हैं। अब जरा नजर डालिए उन ट्वीट्स पर और मीम्स पर जो पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि मोदी जी दाढ़ी नहीं रोजगार बढ़ाओ, तो कोई कह रहा है कि जुमला नहीं जवाब दो, युवाओं को रोजगार दो। कुछ लोग तो पीएम मोदी के हाथ में एक तख्ती तक रख चुके हैं जिस पर लिखा है कि मेरे बर्थडे यानी कि 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। याद रखना, कुछ लोग पहले प्रधानमंत्री नेहरू और अभी के प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की तुलना करते हुए ये भी लिख रहे हैं कि एक का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है तो दूसरे का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इन ट्वीट्स और मीम्स को हो सकता है कि बीजेपी और बड़े बड़े नेताओं की ओर से खारिज किया जाए, इसे विपक्ष की साजिश बताया जाए, इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया जाए,
लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी के कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे, उन्हें ध्यान से देखेंगे, तो शायद आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो कुछ भी सोशल मीडिया पर हो रहा है उसे अपने ही देश के युवाओं ने किया है, जो बेरोजगारी की मांग से तंग आ गए हैं और अब उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं रह गया है। आपको अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट नजर आ रहा होगा। ये चार्ट है सरकारी नौकरियों में हर साल होने वाली भर्ती का। जरा ठीक से नजर डालिए। आपको दिख रहा होगा कि एक दो अपवादों को छोड़ दें तो हर साल सरकारी नौकरियों की वैकेंसी लगातार कम होती जा रही है, चाहे वो SSC हो यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, चाहे वो बैंक में क्लर्क और PO की भर्ती हो, या चाहे वो UPSC की भर्ती हो जिससे IAS और IPS बनते हैं। लगातार घटते रोजगार की वजह से युवाओं का नाराज होना स्वाभाविक ही है। तिस पर तुर ये कि जिस नौकरी के लिए फॉर्म 2019 में भरवाया गया था और परीक्षा भी करवा दी गई थी, उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया। युवाओं ने प्रदर्शन किया, ताली बजाई, थाली बजाई, मोमबत्तियां जलाई, सोशल मीडिया पर PM मोदी के वीडियोज को खूब डिसलाइक किया, ट्विटर पर अपनी बात को ट्रेंड करवाते रहे, तो रिजल्ट की तारीख घोषित हो गई। रेलवे की परीक्षा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फॉर्म भरवाया गया था, एक साल से ज्यादा का वक्त बीत गया लेकिन परीक्षा नहीं हुई। इन आंदोलनों के बाद परीक्षा की तारीख आ गई है। लेकिन इन्हीं युवाओं के लिए BJP के IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कहा है कि ये विपक्ष की साजिश है और तुर्की के लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन 17 सितंबर को जो हुआ है वो भी ऐतिहासिक है। जब देश के लोगों को अपने प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाना चाहिए था, तो उस दिन देश का युवा अपने हक और अपने हुकूक की बात को लेकर मुखर था और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था #राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। बाकी इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम और खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए ABP का लाइव ऐप और देखते रहिए ABP अनकट। शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।